हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप यू मस्ट बी डूइंग वेरी वेल। तो आओ पढ़ते हैं आज का नया टॉपिक। चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन और टॉपिक है केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। दीज लॉज डिस्क्राइब द मोशन ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम एंड वर गिवन बाय जर्मन एस्ट्रोनॉमर जोहन्स केपलर ऑन द बेसिस ऑफ द एनालिसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द 16th सेंचुरी डैनिश एस्ट्रोनॉमर टाइको ब्राहे। द फर्स्ट टू लॉज वेर गिवन बाय केपलर इन 1609 एंड द थर्ड वन वाज गिवन इन 1618। तो ये लॉज शुरू करने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड के एलिप्स किसको कहते हैं। ये जो मैंने फिगर बनाई है, दिस इज कॉल्ड एलिप्स, लाइक दिस, अंडाकार शेप। इसमें ए बी जो है इसको कहते हैं मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स। ए बी को मेजर एक्सिस and it is denoted by 2a, 2a से denote करते हैं इसको। That means this length AB equal to 2a। ये जो CD है इसको बोलते हैं minor axis, minor axis, और इसको denote करते हैं by 2b। और equation of ellipse होती है x square over a square प्लस वाई स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर इक्वल टू वन। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स हुज मेजर एक्सिस टू ए एंड माइनर एक्सिस टू बी। ये एफ वन और एफ टू इस एलिप्स के दो फोकस हैं। नाउ द एलिप्टिसिटी ऑफ दिस एलिप्स इज नॉट वेरी लार्ज, सो दैट वी कैन एज्यूम this orbit of the planet around the sun as circular also, लेकिन पहले हम इसको elliptical मान के ही चलेंगे। तो let us now come to the Kepler's laws of planetary motion. First law, this law is called law of orbits, law of orbits, it states that every planet revolves around the sun in an elliptical orbit with sun at one of the two foci. दो फोकस हैं। सन जो है इट विल बी आइदर एट एफ वन और एट एफ टू एंड द प्लैनेट विल रिवॉल्व। मान लो यहां पे प्लैनेट है किसी वक्त, तो इट विल रिवॉल्व अबाउट द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन एट वन ऑफ द फोसाई। और मैंने यहां पे सन को बनाया एट द फोकस एफ वन, इट कैन बी एट द फोकस एफ टू ऑल्सो। So this is called law of orbits. So remember, according to the law of orbits, every planet revolves around the sun in an elliptical orbit with sun at one of its foci. Then second law is called law of aerial velocity. Law of aerial velocity, area se ban gaya aerial velocity. This law states that the aerial velocity of a planet around the sun is constant. And what do we mean by aerial velocity? Area covered by the radius vector joining the sun with the planet, that is known as the radius vector. ये देखिए, मैंने sun को बनाया at the focus F1 और F1 को यानी कि sun को join किया विद ई। तो मान लो जो प्लैनेट है इट मूव्स फ्रॉम ई टू एफ इन ए वेरी स्मॉल टाइम डी टी।
तो ये जो रेडियस वेक्टर है फ्रॉम एफ वन टू ई, दिस इज कॉल्ड रेडियस वेक्टर विच ज्वाइंस द सन विद द प्लैनेट, एंड द लॉ सेज दैट दिस एरियल वेक्टर, इसकी जो एरियल वेलोसिटी है दैट इज कॉन्स्टेंट और यूनिफॉर्म। तो मान लो ये ई से एफ तक प्लैनेट जाता है इन ए वेरी स्मॉल टाइम डी टी, सो दैट दिस एंगल एंगल ई एफ वन एफ इक्वल टू डी थीटा, दिस इज वेरी वेरी स्मॉल एंगल। नाउ यू नो दैट एंगल इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क, यानी कि ई एफ लेंथ ऑफ द आर्क ओवर रेडियस, दिस इज इक्वल टू डी थीटा, ये आप मैथ में पढ़ते हैं। देयरफॉर ई एफ इक्वल टू आर डी थीटा, ई एफ इक्वल टू आर डी थीटा। अब ये पॉइंट एफ जो है, आई एम नाउ प्रूविंग दिस लॉ, द पॉइंट एफ लाइज वेरी क्लोज टू द पॉइंट ई, सो दैट ई एफ इज प्रैक्टिकली ए स्ट्रेट लाइन, एंड देयरफॉर ई एफ वन एफ इज ए ट्राइंगल, एंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज, ये ट्राइंगल बड़ी छोटी है तो इसका एरिया ही बहुत थोड़ा, उसको मैं बोल देता हूँ डी ए, डी ए मीन स्मॉल एरिया कवर्ड बाई द रेडियस वैक्टर ऑफ द प्लैनेट इन वेरी स्मॉल टाइम डी टी। नाउ यू नो दैट एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज वन बाई टू बेस इन टू हाइट, आप कह सकते हैं, तो वन बाई टू आर इन टू ई एफ, वन बाई टू आर इन टू ई एफ। Now this is equal to 1 by 2 r, and what is EF? This is r d theta. So this is equal to half r square d theta. This is dA. Now what is aerial velocity? Area covered per unit time. अब dt time में area cover किया planet ने dA, तो unit time में कितना किया फिर? dA divided by dt. विच इज द एरियल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट। तो मैं क्या करता हूं, एरियल वेलोसिटी निकालने के लिए आई डिवाइड बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन बाई डी टी, सो वी गेट डी ए डिवाइडेड बाई डी टी, दिस इज इक्वल टू वन बाई टू आर स्क्वेयर इन टू डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी। नाउ डी थीटा बाई डी टी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड दैट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी एंड डिनोटेड बाई ओमेगा। सो देयरफॉर डी ए बाई डी टी इक्वल टू, आई कैन राइट हियर डी ए बाई डी टी इक्वल टू हाफ आर स्क्वेयर ओमेगा। अब देखिए आगे कैसे करना, हमने आपको पता है कि जो एंगुलर मोमेंटम है उसको हम एल से डिनोट करते हैं, एंड दैट इज गिवन बाय एम वी आर, एक्चुअली एम इनटू वी, एम इज द मास ऑफ द प्लैनेट, वी इज इट्स स्पीड और वेलोसिटी, सो मास इनटू वेलोसिटी इज लीनियर मोमेंटम, एंड एंगुलर मोमेंटम इज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। और याद रखो हमेशा के लिए, किसी भी चीज का जो मोमेंटम है दैट इज दैट क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, दैट इज आर। सो एम इनटू वी, एंगुलर मोमेंटम इज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंड दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज आर एम वी आर। इस तरह के मोमेंट ऑफ फोर्स हो वो फोर्स इंटू डिस्टेंस आ जाएगा, मोमेंट ऑफ मास कहीं हमने लिखना हो तो मोमेंट मास इंटू डिस्टेंस आ जाएगा। सो दिस इज एंगुलर मोमेंटम डिनोटेड बाई एल। नाउ यू नो दैट द लीनियर स्पीड और वेलोसिटी इज रिलेटेड टू द एंगुलर स्पीड और स्पीड बाई द रिलेशन वी इक्वल टू आर ओमेगा। तो अब मैं यहां पे वी की जगह आर ओमेगा पुट कर दूंगा, तो आ गया एम आर ओमेगा इंटू आर, आगे है ही है, सो दिस इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर ओमेगा। अब देखिए यहां पे मेरे पास क्या है, आर स्क्वेयर ओमेगा, मैं यहां पे एंगुलर मोमेंटम लेके आना चाहता हूं, तो किससे मल्टीप्लाई कर दूं इसको मैं, एम से, और क्योंकि मैंने इक्वालिटी रखनी है इसलिए मैं एम से डिवाइड करूंगा और एम से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वेयर ओमेगा डिवाइडेड बाई एम, और इसको मैं क्या बोलूंगा, लिखूंगा यहां पे मल्टीप्लाइंग
एंड डिवाइडिंग राइट हैंड साइड बाई एम द मास ऑफ द प्लैनेट. नाउ एम आर स्क्वेयर ओमेगा इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन दैट इज कैपिटल एल एंड देयरफॉर आई कैन से दैट डी ए बाई डी टी इक्वल टू डी ए बाई डी टी दैट इज एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट इक्वल टू इसको लिख दिया मैंने एल डिवाइडेड बाई टू एम डिवाइडेड बाई टू एम. अब देखिए जैसे हमने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. वो लॉ क्या कहता है कि जब तक हम किसी बॉडी या सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते तब तक उसका मोमेंटम रहता है कांस्टेंट. और इसी तरह रोटेशनल मोशन में होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. अब याद रखो आप कि जो काम लीनियर मोशन में फोर्स करती है वही काम रोटेशनल मोशन में टॉर्क करता है. तो जैसे वहां पे मैंने क्या बोला कि जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते, यहां पे हम क्या कहेंगे, जब तक हम किसी सिस्टम या बॉडी पे विच इज रोटेटिंग अबाउट ए गिवन एक्सिस एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं करते तब तक उसका एंगुलर मोमेंटम, वहां पे मोमेंटम यहां पे एंगुलर मोमेंटम, और मोमेंटम का मतलब हमेशा होता है लीनियर मोमेंटम. जब एंगुलर होगा तो उसके साथ एंगुलर लिखा जाएगा, एंगुलर मोमेंटम रिमेंस कांस्टेंट. और यहां पे जब ये रोटेट करता है ऐसे प्लैनेट अराउंड द सन तो इसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, मैंने आपको बताया था कि बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के कोई भी बॉडी ऐसे सर्कुलर पाथ पे मूव नहीं कर सकती. सो द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट. एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज रेडियल फोर्स. रेडियल मींस इट एक्ट्स अलोंग द रेडियस. और जो रेडियल फोर्स होती है उसके कारण कभी टॉर्क नहीं लगता. दैट मींस नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन द प्लैनेट when it is rotating about the sun. तो अगर external torque नहीं लगता तो L equal to constant. और M क्या चीज़ है, it is the mass of the planet. और 2 तो constant है ही है, L भी constant, 2 भी constant, M भी constant. So that means dA by dt equal to constant. And what is dA by dt? Aerial velocity. Constant means uniform. And that is second law. Kepler's second law of planetary motion, which is also called the law of aerial velocity. और मैंने क्या state किया कि the area covered by the radius vector joining the planet with the sun per unit time, and that area covered per unit time is called aerial velocity, remains constant. और ये हमने प्रूव कर दिया. तो अगर आपसे कोई पूछे कि स्टेट द लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी एंड प्रूव इट, तो पहले आपने स्टेटमेंट लिख देनी है और उसके बाद ऐसे इसको प्रूव कर देना है. नो वी कम टू द थर्ड लॉ जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ टाइम पीरियड्स. लॉ ऑफ टाइम पीरियड्स थर्ड लॉ, इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ टाइम पीरियड. टाइम पीरियड, अच्छा उसके लिए पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो ए बी है इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, जैसे मैंने शुरू में बताया, तो इसको डिनोट करते हैं बाई टू ए. तो सेमी मेजर एक्सिस, अगर मेजर एक्सिस टू ए है तो सेमी मेजर एक्सिस आ गई ए. सो इसको हमने, मैंने इस वर्ड को अब यूज करना है इस लॉ में. सो दिस लॉ स्टेट्स दैट द स्क्वेयर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन, अगर टाइम पीरियड टी है तो उसका स्क्वेयर क्या हो गया, टी स्क्वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस. क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस कितनी है, टू ए. सो व्हाट इज सेमी मेजर एक्सिस, उसका हाफ ए. सो टी स्क्वेयर प्रोपोर्शनल टू ए क्यू. आई रिपीट, the law of time period states that the square of the time period of a planet around the sun is directly proportional to the cube of the semi major axis. aur agar hum maan le ki ye jo path hai, orbit hai, ye circular hai, then I can say that t square is proportional to r cube, where r is the रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द गिवन प्लैनेट अराउंड द सन.
अब इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं, बहुत आसान। देखो कैसे करेंगे। मैंने आपको बताया था कि प्लैनेट को रिवॉल्व करने के लिए, किसी बॉडी को सर्कल में मूव करने के लिए कौन सी फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब मैं यहाँ पे ये मान के चल रहा हूँ, वैसे ही मैंने आपको बताया कि एलिप्टिसिटी जो होती है ये ज़्यादा नहीं होती, तो हम ऑर्बिट को सर्कुलर ले सकते हैं। तो मान लो एक प्लैनेट है जिसका मास स्मॉल m है, इट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो उसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए दैट इज एम आर ओमेगा स्क्वेयर। ये इसका प्रूफ है, इस लॉ का, एम आर ओमेगा स्क्वेयर। एंड व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस सेंट्रीपिटल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट। तो एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द ग्रेविटेशनल फोर्स इज कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर। यू कैन सी कि अगर ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट हो और सेंटर में सन है, यहाँ पे प्लैनेट है, तो जितना इसका रेडियस है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन, दैट इज इक्वल टू आर जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। कैपिटल एम इज द मास ऑफ द सन एंड स्मॉल एम इज द मास ऑफ द प्लैनेट। अब देखिए ये एम से एम गया, आर मैं नीचे ले जाता हूं तो आ जाएगा ओमेगा स्क्वेयर इक्वल टू जी एम ओवर आर क्यूब, जी एम ओवर आर क्यूब। और नाउ यू नो दैट ओमेगा इज 2 पाई बाय कैपिटल टी। अगर टाइम पीरियड टी हो देन ओमेगा इक्वल टू पाई बाय टी। एक्चुअली क्या है कि ओमेगा होता है एंगल ओवर टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और एक चक्कर जब पूरा करता है कोई भी प्लैनेट या कोई बॉडी, तो वो एंगल कवर करती है 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन, तो थीटा आ गया 2 पाई। और मान लो एक चक्कर को पूरा करने में टाइम लगता है कैपिटल टी, जिसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, तो टी की जगह मैं लिख दूंगा कैपिटल टी। सो दैट मींस ओमेगा इज आल्सो इक्वल टू 2 पाई बाय कैपिटल टी। तो यहां पे मैं पुट कर सकता हूं 2 पाई बाय कैपिटल टी। सो दैट मींस 2 पाई बाय कैपिटल टी इसका स्क्वायर इक्वल टू जी एम ओवर आर क्यूब, जी एम ओवर आर क्यूब। और यू कैन से दैट इस तरफ आप अंडर रूट ले लो या स्क्वायर ही रहने दो, तो ये आ जाएगा 4 पाई स्क्वेयर ओवर टी स्क्वेयर, 4 पाई स्क्वेयर ओवर टी स्क्वेयर इक्वल टू जी एम ओवर आर क्यूब। नाउ लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई, और यू कैन से दैट टी स्क्वेयर इक्वल टू, ये मैं इस तरफ ले गया, आर क्यूब इस तरफ ले आओ, जी एम नीचे आ जाएगा, तो दिस विल बी 4 पाई स्क्वेयर ओवर जी एम इंटू आर क्यूब। अब देखिए 4 कांस्टेंट, पाई स्क्वायर कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, मास ऑफ द सन कांस्टेंट, दैट मींस टी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट इनटू आर क्यूब, कांस्टेंट इनटू आर क्यूब। और आई कैन से दैट टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, एंड दैट इज द लॉ ऑफ टाइम पीरियड्स। सो हमने प्रूव कर दिया द लॉ ऑफ टाइम पीरियड्स। So these are the three Kepler's laws of planetary motion. अब देखिए एक मैं आपको न्यूमेरिकल छोटा सा बताता हूँ which is based upon this. और ये बहुत बार multiple choice में NEET में भी आया है। तो what is this numerical? Numerical है, आपको पता है कि Earth जो है it revolves around the sun in 1 year. That means the time period of the earth about the sun is 1 year or 365 days. Numerical ये है कि अगर earth जितने distance पे इस वक्त है from the sun, उससे आधे distance पे होती, तो what would have been the length of the year? Year में कितने दिन होते, तो इसको हम English में क्या कह सकते हैं कि व्हाट वुड हैव बीन द नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर इफ द अर्थ वर एट ए डिस्टेंस हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। नाउ लेट अस सॉल्व दिस। अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ ऑफ टाइम पीरियड्स टी स्क्वेयर प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। मान लो इस वक्त जो डिस्टेंस है बिटवीन द अर्थ एंड द सन दैट इज आर, और इस वक्त टाइम पीरियड है टी विच इज इक्वल टू 1 ईयर, तो 365 डेज, तो टी स्क्वेयर प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। और मान लो
जब डिस्टेंस आधा रह गया तो टाइम पीरियड हो गया टी डैश, सो टी डैश स्क्वायर विल बी प्रोपोर्शनल टू आर बाई टू क्यूब, क्योंकि अब जो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट है दैट विल बी हाफ ऑफ दिस, और यू कैन से दैट अब डिवाइड कर देते हैं टी डैश ओवर टी होल स्क्वायर, क्योंकि ये देखिए और साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो यहां पे आएगा वही यहां पे आएगा, आपस में कैंसिल, तो जाएगा इक्वल टू आर क्यूब डिवाइडेड बाई आर बाई टू क्यूब, आर बाई टू क्यूब एंड दिस इज इक्वल टू आर क्यूब ओवर आर क्यूब बाई एट, क्योंकि इसका क्यूब एट आ गया। फिर देख लो आप यहां पे ऊपर आएगा, सॉरी ये आर बाई टू क्यूब ऊपर आएगा, ये मैं डिवाइड कर रहा हूं टी डैश इसको इससे कर रहा हूं, तो ये आर बाई टू क्यूब डिवाइडेड बाई आर क्यूब, यस इक्वल टू वन बाई एट आर क्यूब ओवर आर क्यूब, ये आर क्यूब से आर क्यूब कैंसल, तो वन बाई एट दिस इज टी डैश बाई टी स्क्वेयर, और यू कैन से दैट टी डैश ओवर टी, टी डैश ओवर टी दिस इज इक्वल टू, अब स्क्वेयर रूट आ जाएगा एट का, वन बाई अंडर रूट एट, और टी डैश इक्वल टू, टी डैश इक्वल टू इसको मैं लिख सकता हूं फोर इंटू टू, तो फोर का अंडर रूट आ गया टू इंटू अंडर रूट टू इंटू टी डैश, एंड टी डैश इज 365 डेज, सॉरी इंटू टी, सो टी इज 365 डेज, तो याद रखिएगा वन बाई टू इंटू रूट टू इंटू 365 डेज, तो अगर अर्थ आधे डिस्टेंस पे होती तो अर्थ का टाइम पीरियड होता टी डैश इक्वल टू सो मैनी डेज। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ऐसे करते हैं रैशनलाइज करो इसको, अंडर टू से मल्टीप्लाई करो, अंडर टू से डिवाइड करो, अंडर टू से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर आ गया अंडर टू, नीचे ये टू बन जाएगा फोर आ जाएगा, इंटू आ गया 365 डेज, एंड अंडर टू यू नो इज 1.414 इंटू 365 ओवर फोर सो मैनी डेज, और अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये बेटा ये आ जाएगा इक्वल टू 129 डेज, और ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको इसका आंसर ही याद कर लेना चाहिए कि अगर अर्थ का डिस्टेंस जितना इस वक्त है उससे आधे डिस्टेंस पे अर्थ होती सन से तो कितने दिन होते साल में, तो आंसर वुड बी 129 डेज। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड माई लेक्चर। तो बेटा आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस करना है ताकि आपको जो ही मैं वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इन वीडियोज़ का पूरा पूरा फ़ायदा उठा सकें। सो थैंक यू वेरी मच।